लेट्स स्टार्ट लेसन 12। लेट्स मेक अ मैप। चलो मैप बनाए। मैप बनाने से पहले, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैप क्या है। तो समझ ले, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या है? अर्थ की जो सरफेस है उसका एक ड्रॉइंग है, और अ पार्ट ऑफ इट, अर्थ के किसी भी भाग या उसकी जो सरफेस होती है उसका एक ड्रॉइंग है। ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ शीट ऑफ पेपर, तो पेपर की किसी शीट पे जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके सरफेस या उसके किसी पार्ट को ड्रॉइंग करके दर्शाया जाता है, उसको मैप कहते हैं। बट यू कैन नॉट स्केच ऑन आउट द अर्थ सरफेस एंड शो इट एक्यूरेटली, सो देर आर सम एरर्स इन द शेप्स एंड साइज ऑन लैंड मैसेस ऑन मैप। लेकिन कुछ क्या हो जाती है, कमियां रह जाती है, हम टोटली तो उसको सिंबलाइज नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के पैमाने की सहायता से कागज पे एक छोटे से लघु रूप में जो बनाना, वो मानचित्रण, दैट इज मैप कहलाता है। मानचित्र दो वर्ड मान एंड चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी माप या मूल्य, दैट मीन्स मेजर को ड्राइंग के द्वारा हमें प्रदर्शित करना होता है। मैप इज अ सिंबॉलिक डेप्रेशन एम्फेसाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सम स्पेस सच एज ऑब्जेक्ट, रीजन्स और थिंग्स। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो जो मैप बनाने का जो साइंस होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कि जैसे रिवर को शो करते हैं या कोई पर्वत को शो करते हैं, या भी दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं लैंड के वो स्पेसिफाई करते हैं, उसमें मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या होता है, प्रॉपरली ड्रॉइंग ज़रूरी होता है। तो ऐसा जो मैप बनाने का जो मेकिंग की प्रोसेस होती है उसका साइंस होता है, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। सम ऑफ द ओल्डेस्ट मैप बाय ह्यूमंस आर मोर देन 8000 इयर्स ओल्ड। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मैप्स हैं जो 8000 साल से पहले ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बड़े ही अर्थ के पार्ट को, या हमें पूरे अर्थ को नहीं लेना है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक क्लासरूम है, जो हमारी अर्थ का बहुत ही टाइनी पार्ट होता है, उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो, क्लासरूम के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे ही टीचर का टेबल होता है, चेयर होता है, ब्लैक बोर्ड, बेंच, डस्टबिन, कबर्ड, फैन, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लासरूम में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 93 है उसमें क्या करना है आपको, जो आइटम्स हैं उनके नाम लिखने हैं, वो कितने नंबर्स में है, दैट मीन्स कितनी उनकी क्वांटिटी है, वो लिखना है, और उसके सिंबल ड्रॉ करने हैं। देखो, यहाँ पे टेबल लिखा है, तो क्लासरूम में टेबल कैसा है, एक है, उसका सिंबल ऐसे मैंने दर्शाया है। दूसरा है चेयर, चेयर क्लासरूम में एक है, तो देखो चेयर का छोटा सा पार्ट ऐसे सिंबलाइज करके मैंने चेयर की तरह ड्राइंग बनाया ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे उसका सिंबल होता है। फिर आता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की नंबर एक है, दैट मीन्स क्लास में एक ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड को ऐसे सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट है बेंच है, बेंच कितनी है क्लास में, 20 है, तो ये देखो बेंच का ड्राइंग किया है। नेक्स्ट है डस्टबिन, डस्टबिन एक है, तो ये डस्टबिन जैसा पिक्चर बना के उसको डस्टबिन सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट है कबर्ड, वो एक, और ये कबर्ड का सिंबल मैंने दर्शाया है। फिर आते हैं फैन, फैन क्लास में कितने हैं, 4 है, तो ऐसे फैन का सिंबल बताया गया है। नेक्स्ट आता है कैलेंडर, कैलेंडर एक है, तो ये देखो इसमें ऐसा बॉक्स बनाया है और उसमें ऐसे डिजिट लिखे हुए हैं, तो ये कैलेंडर को सिंबलाइज करता है।
ये हो गया क्लासरूम में कितनी चीजें होती है ताकि समझ में आए हमें। फिर क्या करना है, आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ये चीजें कौन सी कहाँ पे रखी है ताकि हमें समझ में आए कि मैप में कौन कौन सी चीजें कौन से जगह पे किस तरह लैंप को दर्शाती है या फिर क्लासरूम को दर्शाती है।